वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर 2 का सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे और साथ में आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन एज फैक्टर। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, 1, 2 और 3, 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो डिटरमाइन करना है कि x प्लस वन इन इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है, हमें ये डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस वन को कर लेंगे 0 से इक्वेट और यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, या आपका x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम हर क्वेश्चन में x के प्लेस पर पुट करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे माइनस वन, तो ये होगा आपका माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, तो ये हो गया आपका माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस वन प्लस माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन और ये हो गया आपका प्लस वन। तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, बचा के आपका जीरो, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला था आपका फैक्टर पता करने के लिए, तो फैक्टर हम कैसे पता करते हैं, तो जब भी आपका लास्ट में आंसर जीरो आए, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो लास्ट में जब भी आपका रिमाइंडर में जीरो आंसर आए, तो इसका मतलब जो एक्स प्लस वन इक्वेशन दिया हुआ है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आता है तो वो क्या होगा, वहां पर इक्वेशन जो होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। चलिए तो हम लोग सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p रख देंगे माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका x टू पावर 4 मतलब माइनस वन टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब मतलब माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब माइनस वन और प्लस वन आपका हो गया। तो यहां से हो गया आपका माइनस वन टू पावर 4 मतलब 1 प्लस माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस वन मतलब माइनस वन और ये प्लस वन हो गया। यहां से ये कैंसिल, यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, बचा के आपका 1 बचा। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1 है ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या रिमाइंडर में 0 नहीं आया है, आपका 1 आया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वन जो होगा हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वन इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन px मतलब गिवन पॉलिनोमियल। तो x प्लस वन क्या होगा, x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x के प्लेस पर लिखेंगे माइनस वन, यहाँ से क्या था आपका x इक्वल टू माइनस वन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p माइनस वन इज इक्वल टू x टू पावर 4 मतलब माइनस वन टू पावर 4, तो यहां से हो गया आपका माइनस वन टू पावर 4 मतलब 1 प्लस 3 इंटू माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस 3 हो गया प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस 3 प्लस माइनस वन मतलब माइनस वन और ये प्लस वन आपका, तो ये हो गया आपका प्लस वन। अब यहां से ये कैंसिल, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, यहां पर बचा आपका 1। फिर देखिए 1 जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स प्लस वन क्या है, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड से। तो यहां पर दिया हुआ आपका एक्स क्यूब, तो हम क्या रख देंगे यहां पर माइनस वन का क्यूब रखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स, तो हो जाएगा आपका माइनस टू प्लस रूट टू और एक्स के प्लेस पर माइनस वन प्लस रूट टू, तो ये हो गया आपका माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन
तो यहाँ भी क्या है, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका भी आंसर सेम होगा आपका। क्या लिखेंगे आप, x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, और ये लिख देंगे पॉलीनोमियल, ठीक है, x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या करना है बताना है कि जो जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वन या फिर ये दिया हुआ है और ये, तो जी एक्स जो भी दिया हुआ है इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, यहां से आप निकालेंगे एक्स का वैल्यू, तो ये आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वन, तो हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तो आप क्या करेंगे पी एक्स में रखेंगे माइनस वन, पी माइनस वन इक्वल्स टू टू एक्स का क्यूब मतलब टू माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स मतलब माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, यहां से हो गया आपका टू, तो यहां से आपका माइनस टू प्लस टू कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, बचेगा आपका जीरो। अब हमने क्या बताया था कि अगर लास्ट में जीरो बच जाए, मतलब ये क्या, ये रिमाइंडर है, तो लास्ट में अगर रिमाइंडर आपका जीरो बच जाए तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हम x के जगह पर पुट किए हैं अगर उससे जीरो आ जा रहा है तो इसका मतलब वो जो पॉलीनोमियल होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर टू में आपका दिया हुआ है x प्लस टू दिया हुआ है, तो यहां से हो गया आपका x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पी हो गया आपका माइनस टू इज इक्वल टू x का क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर मतलब थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स मतलब प्लस थ्री इंटू माइनस टू और प्लस वन, यहां से आपका आ गया, यहां से क्या आ जाएगा माइनस एट प्लस ट्वेल्व फोर हो गया, फोर वन फाइव, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन आ गया। अभी क्या है, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो एक्स प्लस टू होगा वो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। एक्स प्लस टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स प्लस टू जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा इस इक्वेशन का, इस पॉलीनोमियल का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को किया है ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू फाइंड करना है अगर x माइनस वन क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस वन से हम निकालेंगे x का वैल्यू, तो x माइनस वन क्या होगा, जीरो के बराबर हो गया, यहां से आपका आएगा x इज इक्वल टू वन, यह आपका x का वैल्यू आ गया। अब हम इस वैल्यू को हर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे पी वन, तो हो गया आपका वन का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब वन प्लस के, तो यहाँ पर हो गया आपका जीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन टू प्लस के। देखिए ये जीरो कैसे आया है, आपका क्वेश्चन में बोला है कि एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है, तो जब हम यहाँ पर वन पुट कर रहे हैं तो फैक्टर निकल रहा है, तो फैक्टर की जगह हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका के इज इक्वल टू माइनस टू, और क्या करना है आपको, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या करना था आपको, के का वैल्यू फाइंड करना था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का के का वैल्यू फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका P1 वन इज इक्वल टू टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस K इंटू वन प्लस रूट टू हो गया, यहां से हो गया आपका टू इंटू वन का स्क्वायर मतलब टू प्लस K प्लस रूट टू, और यहां पर क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो गया आपका K इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू प्लस रूट टू, और यही क्या है आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ आपका P1 वन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मतलब के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स मतलब वन प्लस वन, तो यहां से हो गया आपका जीरो इज इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर मतलब के माइनस रूट टू इंटू वन मतलब रूट टू, और यहां पर हो गया प्लस वन, तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका रूट टू माइनस वन, और आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे हम लोग, तो यहां पर दिया हुआ आपका P1 वन इज इक्वल टू के इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स मतलब थ्री इंटू वन
और प्लस के हो गया, यहां पर आ गया आपका जीरो। के इंटू वन मतलब के माइनस थ्री प्लस के, तो यहां से क्या हो गया आपका जीरो इक्वल टू के प्लस के टू के हो गया, और यहां पर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहां पर आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा टू के इक्वल टू थ्री, तो के हो गया आपका थ्री बाई टू के बराबर, और ये आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर दिया आपको फैक्टराइज करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको आपको लेना है मतलब 12, और जो भी कांस्टेंट है उसको लेना है आपको, और दोनों को इंटू करना है तो आएगा आपका 12। अब आपका जो मिडिल टर्म है इसको आपको ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर ये 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आ जाए। जैसे हम अगर ले लेते हैं 4 और 3 तो क्या होगा, 4 3 जा 12 आ गया और 4 3 क्या हो गया 7 आ गया, तो ऐसे ही हमको लेना है, ठीक है, ऐसे ही हमको ब्रेक करना है। तो यहां से आपका हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए 12x² ये क्या है, ये है माइनस 4x माइनस 3x क्या हो गया माइनस 7x हुआ, ये बीच वाला आ गया आपका मिडिल टर्म आ गया, और ये प्लस 1 तो ये वाला हो गया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड, मतलब जो हमारा मिडिल में नंबर है उसको क्या कर रहे हैं स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये स्प्लिट हो गया आपका, तो यहां से हो गया आपका देखिए, अब ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आपका 4x कॉमन मिल जाएगा आपको, तो यहां से आपका हो गया 4 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो यहां पर बचा आपका 3x बचा, और यहां पर क्या बचा माइनस 1 बचा, ऐसे यहां पर कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 कॉमन होगा, तो माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहां पर बचेगा आपका 3x माइनस 1 ये बचेगा आपका, तो यहां से आपका हो गया 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका 4x माइनस 1 ये 4x और ये माइनस 1, तो ये आपका जो आया ये क्या है आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गया, और यहां पर 3 लिखा हुआ है तो ये 3 हो गया आपका, तो क्या आ गया आपका 6 आ गया। अब 7 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए लेकिन प्लस करने पर ये 7 ही आए, तो अगर हम ले ले यहां पर 6 और 1 ले ले तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, और 6 इंटू 1 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 आ गया, ठीक है। 2x का स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म है पहला टर्म है, 6x प्लस x 7x आ गया आपका, और ये 3 यहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका यहां पे और यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा आपका 2x कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचा यहां x बचा और यहां पर 3 बचा, ठीक है। 2x into x 2x का स्क्वायर 2x into 3 6x आ गया, ठीक है, कॉमन मिल गया आपको, और यहां दोनों क्या मिलेगा कॉमन आपको 1 कॉमन मिलेगा, जब कुछ ना मिले तो 1 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका x प्लस 3, तो यहां से आपका हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, ये वाला 2x और ये वाला 1, तो 2x प्लस 1 हो गया, और क्या बचेगा आपका x प्लस 3, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा जब भी आप ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको x प्लस 3 मतलब इन दोनों ब्रैकेट में आपको सेम नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ आपका 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हम क्या करेंगे इसको मतलब 6 को और इसको मतलब माइनस 6 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस 36 आएगा। अब क्या करना है हमें 5 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पर माइनस 36 आ जाए और प्लस करने पर 5x आए मतलब 5 आए, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं यहां पर 9 और माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 36 और माइनस यहां पर है तो यहां पर माइनस लग गया, ठीक है, और 9 माइनस 4 क्या होता है आपका 5 होता है, तो आपका ये मिडिल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया आपका इक्वेशन बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 9x माइनस 4x माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका 3 कॉमन हो गया तो हो गया आपका 3 और x कॉमन हो गया तो बचेगा आपका 3 टू द 6 और इंटू x, ठीक है। तो 3 टू द 6 और x का स्क्वायर हो गया आपका 6x का स्क्वायर हो गया प्लस क्या बचेगा यहां पर 3 3 जा 9 फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 2 जा 4 2x और यहां पर 2 3 जा 6 यहां पर प्लस 3 हो गया तो ये हो गया आपका
3x माइनस टू और यहाँ पर 2x प्लस थ्री और यही क्या है आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्यूबिक टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था आपका स्क्वायर टर्म था, यहाँ पर आपको क्यूबिक टर्म दिया हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट नंबर आपको दिया हुआ है इसको आपको फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो देखिए हर कॉन्स्टेंट नंबर का फैक्टर प्लस माइनस वन ऑलरेडी होता ही है, और क्या है यहाँ पर 2 भी यहाँ पर इसका फैक्टर होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x के प्लेस पर पुट करेंगे, और जिससे जीरो आ गया, जिस वैल्यू को पुट करने से जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वो भी आपका फैक्टर होगा उस इक्वेशन का। तो मान लीजिए ये क्या है पी एक्स के बराबर है, तो हम अगर पी एक्स के जगह रखते हैं यहाँ पर पी वन रखते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू रखेंगे हम, 4 वैल्यू दिए आपको, प्लस वन दिया हुआ है, माइनस वन दिया हुआ है, प्लस टू दिया है और माइनस टू दिया हुआ है, तो इसमें से आप किसी भी एक वैल्यू रखिएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर 1, हमें क्या करना है, हमें ट्रायल करना है। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से हो गया आपका 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या हो गया प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, आ गया आपका 0। तो देखिए हमने क्या बताया था कि अगर लास्ट में आपका 0 आता है तो इसका मतलब जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं वो इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया है, x बराबर 1 पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं, x बराबर 1 पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, अब इस फैक्टर से मतलब x माइनस 1 से हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो गया आपका x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया और क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ गया। अब देखिए आपका ये इक्वेशन बन गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी जो लास्ट में आपका स्क्वायर टर्म में आपका जो इक्वेशन आया, आपको इसको करना है मिडिल स्प्लिट टर्म में, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई कर रहे थे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन में आपको अप्लाई करना है और इसको भी आपको फैक्टर करना है। तो आपका 3 टर्म आएगा वहां से, तो x माइनस 1 हो गया और 2 टर्म आपको और मिलेगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है, माइनस 2x प्लस x क्या हो जाएगा आपका माइनस x के बराबर होगा, ठीक है, मिडिल स्प्लिट टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर x कॉमन हो गया, बचेगा आपका x माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन हो गया, फिर बचेगा आपका x माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 2 आ गया और क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। तो ये किसका है, ये सिर्फ इसका है, और यहाँ पर क्या था x माइनस 1 था, तो यहाँ पर ये भी एड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, ये क्या है, ये फैक्टर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या है, x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। तो देखिए कॉन्स्टेंट में क्या दिया आपका 20 दिया हुआ है, तो 20 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो आपको इस इक्वेशन में ऐसा कुछ पुट करना है, मतलब x के प्लेस पर आपको ऐसा कुछ पुट करना है कि लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर हम x के प्लेस पर माइनस 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20 आ गया। तो यहां से हो गया आपका माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, तो 13 20 क्या आ गया आपका 33 आ गया, और माइनस 1 माइनस 32 आ गया आपका माइनस 33, तो यहां से आपका आ गया 0। तो इसका मतलब x से इस कस्टू माइनस 1 हम लोग लिए थे, तो यहां से क्या आ गया आपका x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका फैक्टर हो गया
क्वेश्चन नंबर थर्ड का, मतलब ये क्वेश्चन थर्ड का ये क्या है, फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वन से उस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहां पर होगा आपका x का स्क्वायर, तो हो गया आपका x का क्यूब, तो यहां से आपका आ जाएगा x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको भी करेंगे फैक्टराइज मिडिल टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका फैक्टर आएगा उसको आप कर देंगे इनटू, तो x प्लस वन आएगा आपका और दो टर्म और आएगा आपका, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेम तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर भी सॉल्व होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।